हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू क्ले लेके आई हूँ जिसको आप येलो क्ले कह सकते हैं। ये येलो क्ले है और ये बहुत ही ज़्यादा चिकनी है। चिकनी से मतलब ये है कि इस क्ले में या इस मिट्टी में बिल्कुल भी कंकड़ पत्थर या रेत कुछ भी नहीं है। जब कुम्हार इस क्ले से क्ले पॉट्स बनाते हैं या कुल्हड़ बनाते हैं या सॉसर बनाते हैं, तो उसके लिए इसको फिल्टर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है और वो डायरेक्ट ही इस क्ले से कुल्हड़ वगैरह या सॉसर वगैरह बना सकते हैं। मैं ये कुम्हार से ही मांग के लाई हूँ। मुझे दिख गया, मैंने उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ये क्ले मुझे दे दी है और ये हमारे इलाहाबाद की क्ले है। तो इस क्ले की खासियत यही है कि इसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है बिल्कुल भी। और मैं इसको, आप देखिए, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये क्ले के चंक्स थे, आपने देखे ही थे। और इसको ना तो मैंने पानी में डिप करके भिगोया है, ना फिल्टर किया है, और इसको सिर्फ जो हैमर से ही तोड़ने से जो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपको देखने से भी समझ में आ रहा होगा, जिस क्ले में इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन वो थोड़ा अलग तरह की होती हैं। और देखिए, ये क्ले जो है, देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस क्ले में कोई भी इम्प्योरिटीज़ जो है नहीं है और ये बहुत ईजली जो है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इसको जब हम पानी में डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अर्दी स्मेल आती है। देखिए कितना कितनी अच्छी लग रही है, ये दिखने में बहुत ही अच्छी है। हालांकि ये पीली मिट्टी होती है लेकिन ये इतनी चिकनी होती है कि इसको क्ले ही कहना ज़्यादा सही है मिट्टी की बजाय, क्योंकि मिट्टी का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ज़रूर हों, जबकि क्ले ऐसी चीज़ होती है कि क्ले में बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं। बहुत जो चिकनी मिट्टी होती है उसी को हम लोग जो है क्ले कहते हैं। तो और इस मिट्टी से बने हुए जो क्ले पॉट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो दिखने में कितने ज़्यादा अच्छे और सुंदर लग रहे हैं। मैं उनसे ही मांग के लाई हूँ, कुम्हार से, तो उन्होंने थोड़ी सी मेरे को, ये देखिए, ये थोड़ी सी मुझे दे दी थी उन्होंने मांगने पे कि आपको अगर वीडियो बनाना है तो आप ले लीजिए मेरे से। तो ये देखिए, इसका कलर भी आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही होगी ये क्ले आपको। तो चलिए देखिए इसका, देखिए अब इससे बने हुए कुल्हड़ कैसे हैं। ये देखिए, ये इन्होंने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं कुल्हड़, ये धूप में सूखने के लिए सुखा रखे हैं। अभी ये अनबेक्ड हैं, कच्चे कुल्हड़ जिनको कहते हैं वो हैं, ये पके हुए नहीं हैं। ये देखिए, मुझे तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है इनको। ये देखिए कितने सारे हैं, बहुत सारे इन्होंने बना के धूप में सुखाने के लिए रखे हैं। ये देखिए, एक मैं उखा, ये अभी पके हुए नहीं हैं, सिर्फ सूखने के लिए धूप में रखे गए हैं। और ये उसी येलो क्ले से बने हुए हैं जो येलो क्ले मैंने अभी आपको दिखाई है। और ये देखिए कितने सारे कुल्हड़ हैं। ये देखिए, ये हल्के हल्के भी आपको गीले गीले भी लग रहे हैं कि इनमें मॉइस्चर है ध्यान से देखने में। अभी ये सूखे नहीं हैं अच्छी तरह, जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे तब इनको बेक किया जाएगा। और देखिए, एक सॉसर भी रखा हुआ है यहाँ पे जिसको हम, ये देखिए, ये सॉसर देखिए कितना मोटा कितना थिक है, और ये बेक होने के बाद पकने के बाद भी बहुत सॉफ्ट रहेगा क्योंकि बहुत मोटा बना हुआ है ये। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारा सारे कुल, अभी चूंकि ये कुल्हड़ ही बना रहे हैं मेरे कहने पे, देखिए ये मिट्टी इनके पास जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो मिट्टी इनके पास देखिए बहुत सारी रखी हुई है। ये देखिए, एक अब इनको प्रैक्टिस है तो देखिए ये एक बार में ही इसको मारते हैं और ये चूर चूर हो जाते, एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखिए, और इस, ये देखिए इसका मिट्टी का ढेर है। और ये देखिए, इसके बाद मैं इनसे ये कुल्हड़ लेके आई हूँ, जब ये इन्होंने पका लिया है वो कुल्हड़, उसके बाद मैं इनसे लेके आई हूँ। और ये देखिए, दिखने में भी आपको बहुत सुंदर कलर लग रहा होगा इसका, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है,
देखिए कुछ तो मेरे लाने में ही टूट गए। देखिए एक कुल्हड़ से दूसरे कुल्हड़ पे मारूंगी, ये देखिए देखिए ये मारते ही ये कुल्हड़ टूट गया, और ये देखिए ये कुल्हड़ जो है आप एक हाथ से ही टूट जाएगा। ये देखिए ये एक हाथ से ही, ये कुल्हड़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये कुल्हड़। तो मुझे बाई चांस ये क्ले मिल गई तो मैंने कहा आपको मैं बता दूँ चलिए इस वीडियो में कि किस मिट्टी से ये कुल्हड़ बनते हैं, जो कुल्हड़ मैं आपके लिए, और ये इसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, बिल्कुल गंदगी नहीं है, बहुत साफ़ सुथरी मिट्टी होती है ये, वो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और ये देखिए ये एक हाथ से देखिए कितनी इजीली टूट रहे हैं, इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे कमेंट्स से समझ में आता है कि आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे क्या देखना चाहते हैं। तो ये भी आप लिखिएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किसका देखना चाहते हैं। तो ओके बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।